tutor and I welcome you all in my physics class and in my YouTube channel, that is Physics Friction of Minds. This is the platform I have provided so that you can learn the physics through the easiest and the finest way by going through a concept. And if you'll go through a concept, I bet you that definitely one day you will fall in love with the physics. Okay, so now let's start this chapter, that is electromagnetic induction. Okay, so now see, our today's point of discussion is induction and energy transfer. Okay, so as you can see this figure, we have done a kind of derivation before, that is motional electromotive force, by moving that bar through in a constant magnetic field. कुछ उस तरह की डायग्राम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. ठीक है, तो देखो पहले डेरिवेशन है. ठीक है, तो डिराइव तो हम कर देंगे, बट उसके पहले डेरिवेशन की ओर एक जो हमारा थेरोटिकल अप्रोच होता है, हम उसे समझ के लेते हैं. अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप इस डेरिवेशन को इजीली डील कर सकते हो. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्रॉस साइन है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर क्रॉस साइन है मतलब यहाँ पे आपने इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है एंड विच इज़ गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, एक ही चीज़ हम बार बार बता रहे हैं कि डॉट रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस रिप्रेजेंट्स इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. ओके, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट बिकॉज EMI के लिए आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, फील्ड को कॉन्स्टेंट रखो, कॉइल को मूव करो, कॉइल को कॉन्स्टेंट रखो, फील्ड को वैरी करो. ठीक है, so here you have provided a constant magnetic field, that means it is very well cleared. You will move this rectangular frame in this constant magnetic field. Okay, अब देखो ये हमने एक फ्रेम ली है ABCD, वहाँ पे स्लाइडिंग बार था जिसके तीन आर्म्स फिक्स थे, उसे वो बार मूव हो रहा था. सो उस बार में EMF इंड्यूस्ड हुआ था, राइट. बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो फ्रेम है, द एंटायर फ्रेम, वी आर मूविंग दिस एंटायर फ्रेम इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ If I move this frame towards right with this constant velocity v, तो क्या होगा, इस फ्रेम का जो एरिया है वो डिक्रीज होगा. एरिया डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है. अगर एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल इंड्यूस EMF इन दिस फ्रेम. एंड एज द इंड्यूस EMF इज देयर, इंड्यूस करेंट विल फ्लो थ्रू दिस थ्री आर्म्स. अंडरस्टूड? That means I can say electromagnetic induction is taking place here, the EMF is getting induced here, and the current, induced current is flowing through this three arms of a wire. Okay, so that is theoretically what will happen in this derivation. फिर हमें हमारा heading क्या है, induction and energy transfer, right? तो अब induction तो यहाँ पे हो रहा है, but energy transfer ये क्या है. तो अब देखो अगर इस frame को, अब क्या है, इस फ्रेम में करंट इंड्यूस्ड हो चुका है. सो इस फ्रेम में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, सपोज ये इस तरह से, ये इसका कलेक्टिव रेजिस्टेंस है कॉइल का, दिस इज करंट, दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF. ओके, सो इस रेजिस्टेंस की जगह पे, जिसे मैंने पहले भी बताया था, अगर मैंने एक आधा बल्ब लगा दिया तो करंट की वजह से वो बल्ब ग्लो होगा. सो उसका पावर हम लिखते हैं I²R. सो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर. अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है मतलब ऑब्वियसली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट. अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहाँ से, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, एनर्जी कोई क्रिएट नहीं करता, एनर्जी कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई. सो कोई तो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ होगा, एंड दैट्स वाई देर इज अ वर्ड एनर्जी ट्रांसफर. और लेंस लॉ में मैंने आपको बताया है, लेंस लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस रिलेटिव मोशन मेंटेन करने के लिए जो भी मैकेनिकल वर्क आप करते हो, वही मैकेनिकल वर्क इस सर्किट में या फिर इस कॉइल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ दैट मैकेनिकल वर्क और दैट मैकेनिकल एनर्जी will transform into electrical energy. Okay, so that is mean energy transfer. So मतलब proof क्या करना है हमें, mechanical energy. आप बोलोगे मैं energy बोल रही हूँ, मैंने power क्यों लिखा. Energy upon time मतलब क्या होता है, power होता है. Energy मतलब भी क्या होता है, work होता है. Means work upon time भी क्या होता है, power होता है. So the rate at which you are doing a work,
the rate at which you are doing a work, that is called as a power. So you have to prove mechanical power is equals to electrical power. Understood? ये मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, बिकॉज वेर देर इज अ पावर देर इज अ वर्क, वेर देर इज अ वर्क देर इज अ एनर्जी, दैट मीन्स द एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर हियर. दिस मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी हैव टू प्रूव इट मैथमेटिकली. ओके, सो आई जस्ट होप, मैंने कोई मैथमेटिकल स्टेप यहाँ पे नहीं लिखी है. सबसे पहले मैंने आपको इस डेरिवेशन से फैमिलियर करा दिया, इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए, इसका थेरोटिकल अप्रोच मैंने समझा दिया. अब डेरिवेशन क्या बड़ी बात है, अब हम इसे इजीली डिराइव कर लेंगे. सो दिस इज योर एम. ओके, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द डेरिवेशन. सो सबसे पहले क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन. डोंट फॉरगेट टू राइट द डिस्क्रिप्शन. क्या लिखोगे, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ अ वायर ए बी सी डी विच इज प्लेस्ड इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. बस खत्म. उसके बाद क्या लिखोगे, सपोज दैट द फ्रेम, दिस फ्रेम ऑफ अ वायर इज मूव टूवर्ड्स राइट विथ वेलोसिटी वी. ओके, जब आप इस फ्रेम को इधर मूव करोगे इस तरह से, तो ये इधर एरिया बढ़ते जाएगा, यहाँ का एरिया कम होते जाएगा. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दैट एरिया विच इज इनसाइड द फील्ड. तो जब इस फ्रेम को आप ऐसे मूव करोगे, फील्ड के बाहर का एरिया बढ़ रहा है बट फील्ड के अंदर का जो एरिया है फ्रेम का वो कम हो रहा है, राइट. अगर एरिया कम हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो देखो, सो दैट एरिया इज गिवन बाय, बताओ एरिया का फॉर्मूला. एरिया ऑफ दिस फ्रेम, एरिया इज नथिंग बट लेंथ इन टू दिस डिस्टेंस. अब आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस तो इतना ही है, फ्रेम तो इतनी है. मैंने क्या कहा, वी आर इंटरेस्टेड ओनली दैट एरिया ऑफ अ फ्रेम विच इज इनसाइड द फील्ड. सो दिस मच पार्ट इज इनसाइड द फील्ड हैविंग अ लेंथ x. ओके, सो आई कैन राइट द एरिया एज l into x. वी हैव टेकन कैपिटल L. ओके ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, सो नाउ एज द एरिया इज डिक्रीजिंग एज यू आर मूविंग दिस फ्रेम टुवर्ड्स राइट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, द एरिया ऑफ दिस कॉइल और अ फ्रेम इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. सो एज देयर इज अ डिक्रीज इन एरिया, वॉट विल हैपन, द फ्लक्स विल चेंज. बट दैट फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू, बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला, बी इन टू ए. ठीक है, प्रीवियसली भी देखा है, फर्स्ट लेक्चर में भी देखा है. सो फाई इक्वल्स टू बी एज इट इज. नाउ द वैल्यू ऑफ एरिया इज गिवन फ्रॉम दिस इक्वेशन, वॉट इज दैट, एलेक्स, लेट दिस बी. ठीक है, इसको भी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्वेशंस आने वाले हैं. ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, जैसे आप फ्रेम को, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ. ओके, जैसे आप फ्रेम को टूवर्ड्स राइट मूव करोगे तो फ्रेम का जो फिल के इनसाइड एरिया है वो डिक्रीज होगा. अब लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें एल तो कॉन्स्टेंट रहेगा इधर भी मूव करोगे, बट जैसे इधर मूव करोगे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. एक्स चेंज हो रहा है मतलब एरिया चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स. सो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, सॉरी फैराडेज सेकेंड लॉ, आई कैन राइट नाउ दिस चेंज इन फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, राइट. सो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी. हियर कम्स निगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो जस्ट रिमूव दिस negative sign and give a mod. Mod represents simply magnitude of induced EMF. अगर हमें सिर्फ magnitude चाहिए तो direction से कोई लेना देना नहीं, direction से कोई लेना देना नहीं, तो negative sign हटा दो. ठीक है, so E equals to, now DDT will be as it is. You can substitute the value of phi, इसे हम equation 1 कह देते हैं. So phi की value, ये फाइव की वैल्यू इक्वेशन वन से क्या पुट कर सकते हो आप, बी एल एक्स. ओके, ये हमारा प्रीवियस डेरिवेशन में भी हो चुका है. सो ई इक्वल्स टू डेरिवेटिव है, फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आपका अजम्पशन है, सो फील्ड इज टेकन आउट. एल क्या है, एल ये साइड की लेंथ, इस आर्म की लेंथ है. आप यहाँ मूव करो, इधर मूव करो,
ये डिस्टेंस वैल्यू होगा, ये थोड़ी वैल्यू होगा, मतलब लेंथ क्या है कॉन्स्टेंट, उसे भी बाहर ले लो, मतलब यहाँ पे रहेगा डी एक्स बाय डी टी. ओके सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी एल. नाउ यू बेटर नो अकॉर्डिंग टू योर मैकेनिक्स इफ एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट देन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्ट्रीब्यूट्स वॉट वेलोसिटी वी एंड दिस इज दिस वेलोसिटी वी with which your frame is moving towards right. That means you are moving the frame towards right. Okay. So this is V. As dx by dt is nothing but V. Let this be equation number 2. इतना clear है? तो ये सारी basic चीज़ें हैं जो आपको भी पता है. ठीक है? अब देखो. अब इस circuit का equivalent circuit अब देख क्या हो रहा है यहाँ पे. Faraday's law के according Faraday's and Lenz law के according यहाँ पे EMF induced हो रहा है. So if the induced EMF is there, now induced current will flow through this frame, right? Through this wire. So that induced current it will be in a clockwise direction like this. Okay. अब ये induced current की direction कैसे decide हुई? तो ये मैंने decide नहीं की. ये induced current की direction कौन decide करता है? Lenz law. Okay, so according to Lenz law we have given the direction of induced current as clockwise. Okay, so yahan tak ki hamara electromagnetic induction ka phenomena ho raha hai. Kya ho raha hai? Magnet, constant magnetic field aur is frame matlab coil ke beech relative motion ho raha hai, jiske wajah se kya hua? Area change hone ki wajah se flux change hua. Flux change hone ki wajah se us coil mein EMF induced हुआ. इन EMF induced होने की वजह से अब इस कॉइल में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. तो करंट फ्लो हो रहा है. अब करंट की डायरेक्शन किसने बताई? लेंज लॉ ने. ओके और दूसरी चीज, अगर आप राइट हैंड कर्ल रूल भी यूज करो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. राइट हैंड कर्ल रूल क्या बोलता है? थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ दिस कर्ल फिंगर. आपकी आंखों के सामने है, आप देख के बताओ कौन सी डायरेक्शन है. दिस इज ये ऐसे फिंगर कर्ल. कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ एंड द राइट हैंड रूल. ओके सो अब इस सर्किट का अब एक चीज क्लियर हो गई कि इस कॉइल में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. अब इस वायर, जहाँ पे वायर है, वायर को एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है कनेक्टिंग वायर को. अब अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो कैसे होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है, इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है. सो ये देखो इस तरह से, ये सपोज इस कॉइल का क्या है? कलेक्टिव रेजिस्टेंस है आर, क्योंकि हर कनेक्टिंग वायर को खुद का एक रेजिस्टेंस होता है. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से ये फ्लो हो रहा है आपका इंड्यूस्ड करंट. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल्स टू, बताओ कितना होगा? आपको मैंने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में का डिफरेंस समझा के दिया है, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लिखते वी इक्वल्स टू आई आर. सो वी राइट आई इक्वल्स टू वी बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओके सो हियर दिस आई मीन्स योर इंड्यूस्ड करंट इक्वल्स टू, यहाँ पे वी बाय आर होता है, बट इन दिस चैप्टर एवरी टाइम वी आर रिप्लेसिंग पोटेंशियल डिफरेंस बाय ई एम एफ. ओके सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई बाय आर, वेर ई इज इंड्यूस्ड ई एम एफ, आई इज इंड्यूस्ड करंट, आर इज द कलेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल. ओके सो नाउ हियर आई इक्वल्स टू, बताओ E की वैल्यू इक्वेशन 2 से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. व्हाट इज दैट? बी एल वी अपॉन, यहाँ पे हर टाइम वेलोसिटी स्मॉल वी ही लो, क्योंकि कैपिटल वी मतलब वोल्टेज होता है और मैकेनिक्स में कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम होता है. ठीक है? सो एवरी टाइम इन फिजिक्स एवरी टाइम डिनोट वेलोसिटी बाय स्मॉल वी. ठीक है? सो दिस ई की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की इक्वेशन 2 से, बी एल वी अपॉन नीचे क्या है? आर. सो दिस इज आर. सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया इंड्यूस्ड करंट का. ये फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये फॉर्मूला है इंड्यूस्ड करंट का.
तो हमने कोई स्टेप वन से नहीं लिखी है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में और फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए, वही सारे हमने यहाँ पे अप्लाई किए। ओके, सो यहाँ तक के आपको बात समझ में आ चुकी है। अब देखो आगे क्या होगा। अब जब आप इस फ्रेम को थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज यूज करना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाला, जब इस फ्रेम को आप इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, ये आर्म और ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। अब कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो चुका है, तो आप इस आर्म को एज अ कंडक्टर ट्रीट कर सकते हो, इसे भी एज अ कंडक्टर, इसे भी एज अ कंडक्टर, बिकॉज तीनों आर्म में से इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और अब कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, वेन एवर यू प्लेस एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट कंडक्टर एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आई इन ब्रैकेट एल बार क्रॉस ऑफ बी बार, वेयर आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, बी इज अ प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड, एल इज अ लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ये हमारा प्रीवियस चैप्टर में हो चुका है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड किया है, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उस कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना के वजह से तीन आर्म्स में से करंट फ्लो हो रहा है, सो दिस आर्म एंड दिस आर्म इज एक्टिंग एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, एंड व्हेन यू आर मूविंग द एंटायर फ्रेम टूवर्ड्स राइट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, दिस थ्री करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ बार इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट एल बार क्रॉस ऑफ बी बार। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है, और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने कौन सा रूल देखा था, हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल्स वगैरह कुछ भी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट डायरेक्शन दिए, ये इधर ये इधर ये इधर, इस पर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये आर्म फील्ड के बाहर है, ठीक है, और इसमें से करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। दिस थ्री आर्म्स थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग आर एक्टिंग एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन दिस कंडक्टर विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या होता है, थ्री फिंगर्स, ठीक है, मैं रूल फिर से रिपीट नहीं करूंगी, सो तीन वेक्टर्स, तीन फिंगर्स जो तीन वेक्टर्स की डायरेक्शन दिखाते हैं, उसमें से एक होता है आपका करंट फ्लो होने वाला, करंट वेक्टर नहीं है, करंट टेंसर क्वांटिटी है, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और तीसरा जो वेक्टर होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है। अब एक एक आर्म के लिए अप्लाई करो, लगाओ एक एक आर्म के लिए, इस आर्म के लिए, और वो ये तीनों एक दूसरे को कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक योर थ्री फिंगर, थंब, मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, ओके, सो दिस इज, अब पहले इस आर्म की बात करते हैं, ये है करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सो मैग्नेटिक फील्ड 3D में ऐसी रहेगी। अब ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तीसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा रहेगा, ये ऐसा जो आपको करके करंट डायरेक्शन देगा इस फोर्स की, ये आई की डायरेक्शन, ये जो चौक है ये बी की डायरेक्शन दे रहा है, आई हो गया बी हो गया, थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर विल गिव योर डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, सो इस आर्म के लिए ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, समझा। अब इस आर्म के लिए लगाओ, इस आर्म के लिए तीन वेक्टर हमारे, तीन पैरामीटर्स है आई बी एफ, इस आर्म के लिए लगाओ, करंट के फ्लो की डायरेक्शन लेंज लॉ या फिर राइट हैंड रूल से निकाली, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाली, सारे रूल सारे लॉस मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, सो लगाओ इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी बताओ, देखो करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, अब ये दो डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसे थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ये ऐसे रहेगा, सो दिस इज योर आई, ये करंट फ्लो हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ये आपका चौक मतलब है मैग्नेटिक फील्ड,
और ये मतलब है मैग्नेटिक फोर्स. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इट्स लाइक दिस. सो दिस इज लाइक दिस. ओके, ये एक फोर्स हो गया. अब नीचे के इसके लिए लगाओ. फिर से तीन पैरामीटर है, आई बी एफ, ये सब आपको पता है, ये मेरा अजम्पशन है. ठीक है, इसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या है? ये आम के लिए ये हो गई करंट की डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ओके, इस तरह से. सो इन थर्ड यूजुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहेगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देखो थ्री डी में इमेजिन करो, ये है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आप खुद करके देखो तो आपको समझ विजुअलाइज होगा. ये चौक, ये आई और ये एफ, ये तीनों एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. सो अब डायग्राम देखो और थोड़ा सा सोचो, जो दो वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. नाउ दिस वेक्टर, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इतना, बट तीनों की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये और ये रही. इसे हम कह देते हैं एफ वन, लेट दिस बी एफ टू, लेट दिस बी एफ थ्री. सो नाउ यू ऑब्जर्व, एफ टू एंड एफ थ्री आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड एज दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल आउट विथ ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट एफ टू इक्वल्स टू एफ थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, एंड इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन दे विल कैंसल आउट विथ ईच अदर. सो अब सिर्फ ये वेक्टर बचा है एफ वन. ठीक है, सो इस वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने लिखा था आई इन ब्रैकेट एल बार क्रॉस ऑफ बी बार, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तीनों के लिए डायरेक्शन डिसाइड की, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, यही एक बचा, इसका मैग्नीट्यूड इतना होता है. ये मैंने नहीं बताया, ये आपको पता है. ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? एफ वन इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा. ठीक है, नाउ हियर थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर. व्हाट आर योर टू वेक्टर्स? एल बार एंड बी बार. सो दिस इज एंगल बिटवीन एल बार एंड बी बार. ठीक है, अब नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर एल बार. यही आर्म देख रहे हैं हम, क्योंकि इस पे ये फोर्स लग रहा है. दिस इज योर एल बार, दिस इज योर एल बार, ये इस तरह से. व्हाट इज योर फील्ड वेक्टर बी बार? दिस इज लाइक दिस. सो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों में का एंगल कितना है? 90 डिग्री. मीन्स फ्रॉम फिगर एंगल बिटवीन एल बार एंड बी बार इज 90 डिग्री, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 कितना होता है? 1. सो ये इक्वेशन क्या हो गया? एफ वन इक्वल्स टू आई एल बी, बस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1. साइन थीटा साइन 90, थीटा ही 90 फूट गया तो 1 आ गया. लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4. तो इस तरह से हमने ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया. अब आगे क्या है? अब फिर से कॉन्सेप्ट पे आओ. कॉन्सेप्ट के बिना डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स आप मगअप नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखो क्या होगा. आप इस फ्रेम को इस वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हो, तभी क्या हुआ? तभी इस कॉइल में, इस फ्रेम में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ. बट अब इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ क्या कर रहा है, या फिर ये फोर्स की डायरेक्शन देखो, इस फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट. मतलब जैसे ही आपने इस फ्रेम को टुवर्ड्स राइट मूव किया विद दिस वेलोसिटी वी, क्या हुआ? इस फ्रेम में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसके वजह से अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ये मैग्नेटिक फोर्स इस फ्रेम को कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर ऐसी केस है तो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करके ये फ्रेम स्टेशनरी हो जाएगी. अगर फ्रेम स्टेशनरी होती है फिर तो कांस्टेंट है ही. अगर दोनों कांस्टेंट है, दोनों स्टेशनरी है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है. अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, इंड्यूस्ड करंट जीरो, राइट? बट वी वॉन्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वी वॉन्ट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट. फॉर दैट केस हमें क्या करना होगा? हमें फिर से
इस फोर्स के अपोज में जाके, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस फिर से इक्वल इन अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, हमें फिर से इस फोर्स के अगेंस्ट में जाके कॉइल को टूवर्ड्स राइट मूव करना होगा। फिर से कॉइल में एम्फ इंड्यूस्ड होगा, फिर से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स फिर से कॉइल को इधर खींचेगा, हमें फिर से फोर्स लगा के कॉइल को टूवर्ड्स राइट मूव करना है। फिर से कॉइल में एम्फ इंड्यूस्ड होगा, फिर से ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स कॉइल को फिर से इधर खींचेगा, हम फिर से फोर्स लगा के कॉइल को राइट में मूव करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, फोर्स, ये फोर्स कॉइल को इधर खींच रहा है और हम अपना फोर्स लगा के कॉइल को फिर से राइट खींच रहे हैं, ये फोर्स फिर से कॉइल को लेफ्ट खींच रहा है, हम फिर से रिलेटिव मोशन मेंटेन रखने के लिए कुछ मैकेनिकल फोर्स लगा के कॉइल को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन मेंटेन है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल में कंटिन्यूसली करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आई बात, मतलब ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। सो आई कैन राइट दिस एफ बार, तो कॉइल को अगर हम इधर मूव कर रहे हैं इस फोर्स के अगेंस्ट में जाके, तो हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो ये जो फोर्स है इसे हम एफ बार से डिनोट करते हैं, जो हमने लगाया। ओके, और ये फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, जो किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, ये इधर खींचेगा हम इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेगा हम इधर खींचेंगे, रिलेटिव मोशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, सो आई कैन राइट एफ वन बार इक्वल्स टू माइनस एफ बार, और यू कैन ऑल्सो राइट एफ बार इक्वल्स टू माइनस एफ वन बार, ये क्या इंडिकेट करता है, इक्वालिटी साइन इंडिकेट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड अपोजिट्स, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब इसे अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखे, सो आई कैन राइट लाइक दिस, एफ बार, एफ वन बार इज इक्वल्स टू सिंपली मॉड ऑफ एफ बार। ओके, अब ये दोनों अगर इक्वल है तो एफ वन बार का मैग्नीट्यूड कितना है, आई एल बी, और ये इक्वल्स टू एफ बार है, तो एफ बार का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई एल बी। ओके, सो अब हमारे पास एफ बार की भी वैल्यू है, एफ वन बार की भी वैल्यू है। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो फिर से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, हमें रिलेटिव मोशन मेंटेन रखने के लिए हम ऑल टाइम इस फोर्स के अपोज में जाके वर्क कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, राइट, कॉइल को राइट में शिफ्ट करने के लिए ऐसे, तो फोर्स लगाने की वजह से ये कॉइल डिस्प्लेस हो रही है थ्रू दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनडिरेक्टली वी आर डूइंग वर्क ऑन दिस फ्रेम, राइट, सो दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा फोर्स है, ये आपने लगाया हुआ फोर्स है कॉइल को राइट में शिफ्ट करने के लिए। ओके, जिसकी वजह से कॉइल इधर शिफ्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विल इनडिरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट अ वर्क। ओके, सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट, वर्क मतलब आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक फिजिक्स बताया हूँ मैं, इतनी की पॉइंट्स डेरिवेशन में नहीं बताए जाते हैं, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो डेरिवेशन 15 मिनट में एक्सप्लेन हो सकता है, राइट, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी की पॉइंट। अब नेक्स्ट की पॉइंट देखो क्या है, वर्क तक हम आ गए, जब कोई हम टाइम ओरिएंटेड वर्क करते हैं तो टाइम ओरिएंटेड वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर, और ये पावर कौन सा होगा, मैकेनिकल पावर, बिकॉज हम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, सो वर्क डन पर यूनिट टाइम वी कॉल इट एज अ पावर, सो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वट एवर वर्क यू आर डूइंग अ वर्क, ओके, बट इफ यू आर डूइंग अ टाइम ओरिएंटेड वर्क, इफ यू आर डूइंग अ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और पर यूनिट टाइम, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स द पावर। ओके, एंड एज यू आर डूइंग अ मैकेनिकल वर्क लाइक दिस per unit time, so that mechanical work per unit time is called as a mechanical power, so that power P equals to work done कितना है, force into displacement, so this is F into S upon P, so P equals to, now we'll keep this F as it is, okay, now into S upon T can be written as, S means displacement, displacement per unit time contributes what? Velocity
v. Okay, so this is again this velocity v. So I can write this s upon df v. Okay, so अब ये force भी vector था, ये displacement भी vector था, so I can write this as f bar dot of v bar. यहाँ पे भी हम vector form में लिख देते हैं f bar dot of s bar, क्योंकि यही correct definition होती है power की. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो वी गॉट दिस फॉर्मूला एफ बार डॉट ऑफ वी बार. नाउ इफ यू राइट इट इन सिंपली मैग्नीट्यूड, देन हम सिंपली एफ इंटू वी भी लिख सकते हैं, नो डाउट. ओके, सो यू कैन कीप लाइक दैट. ओके, सो दैट इट विल, मैंने पहले ही बताया जब भी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं जस्ट ट्राई टू राइट एवरीथिंग एवरी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर, सो दैट इट विल रिमूव योर एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी और अ कन्फ्यूजन. ओके, सो इसे हम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5. सो इतना आपको समझ में आ गया. आई एम इरेजिंग दिस, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीन शॉट. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड. पी इक्वल्स टू एफ वी. नाउ दिस पी स्टैंड्स फॉर योर मैकेनिकल पावर. एफ की वैल्यू आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन नंबर नहीं दिए हैं इसे हमने, बट ये वैल्यू आपके पास है. वॉट इज दैट? आई इंटू एल इंटू पी. सो दिस इज आई एल बी. ये हो गई एफ की वैल्यू इस इक्वेशन से सब्सटीट्यूट की. ओके, नाउ वी इज योर वेलोसिटी, सो दिस इज योर वेलोसिटी. ओके, सो पी इक्वल्स टू, ये आई क्या था आपका? इंड्यूस्ड करंट. इस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. व्हाट इज दैट? बी इंटू एल इंटू बी अपॉन आर जस्ट सब्सटीट्यूटेड. सो दिस इज बी इंटू एल इंटू बी अपॉन आर. ये सिंपली आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, अब क्या बचा? ये एल इंटू बी इंटू बी. ओके, सो नाउ अब क्या होगा बताओ? दिस बी इंटू बी दिस बी स्क्वायर, दिस एल इंटू एल विल बी एल स्क्वायर, दिस बी इंटू बी विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर. लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6. सो ये पावर आपके पास आ गया. ये कौन सा पावर है? ये है आपका मैकेनिकल पावर. ओके, सो दिस इज योर मैकेनिकल पावर. मैंने थ्योरेटिकल अप्रोच स्टार्ट में ही आपको समझा दिया है, यह मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क पर यूनिट टाइम कॉन्ट्रीब्यूट्स अ पावर. दैट मीन्स हियर मैकेनिकल पावर शुड बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल पावर. सो वी हैव डिराइव द मैकेनिकल पावर. नाउ विल डिराइव द इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, अगर आपने 11th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, सो इलेक्ट्रिकल पावर का पावर के तीन फॉर्म्स है एक्चुअली. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है V इंटू I. ठीक है, एक फॉर्म हम डिराइव लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R, तीसरा हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर. नाउ हियर इंड्यूस्ड करंट, यू हैव इंड्यूस्ड करंट. एक डायग्राम जो हमने निकाली थी यहाँ पे, ये हमारा हो चुका है, इसे हम रेस कर देते हैं. ये डायग्राम हमने निकाली थी यहाँ पे, ये आपका कलेक्टिव रेजिस्टेंस था, एंड वो जो इंड्यूस्ड ई एम एफ, एंड दिस इज द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. अब देखो क्या होगा, ये इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में से मूव हो रहा है, मतलब इस कलेक्टिव रेजिस्टेंस में से जब मूव होगा तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, एंड दैट हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम विल कंट्रीब्यूट अ पावर, एंड दैट पावर वी कैन से इट एज इलेक्ट्रिकल पावर. ये जूल सेटिंग इफेक्ट है जो आपने स्कूल में कभी पढ़ा होगा. ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर. अब ये इलेक्ट्रिकल पावर खुद से जनरेट हुआ नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से आया? इस मैकेनिकल पावर से आया. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि यही मैकेनिकल पावर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, सो देखो दिस इज द फॉर्मूला आई स्क्वायर अपॉन आर. ओके, अब यही फॉर्मूला क्यों चूज किया तीनों में से? बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू विद द वोल्टेज, वी आर इंटरेस्टेड इन आई एन आर, सो दिस फॉर्मूला इन्वॉल्व्स आई एन आर. ओके, नाउ दिस पावर इक्वल्स टू, यू हैव द वैल्यू ऑफ आई अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सब्सटीट्यूट इट. व्हाट इज दैट? बी आई का स्क्वायर है, मतलब सारे टर्म्स का स्क्वायर होगा. बी एल बी अपॉन आर मीन्स बी स्क्वायर, एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर, ये हो गई आई स्क्वायर की वैल्यू एंड दिस रिमेनिंग आर. सो दिस आर, दिस आर विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए का कैंसल, यू गॉट आर. ओके, सो लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फोर. What is that? This power is this power, electrical power. Okay? So मैंने अपना जो motive था, aim था, पहले लिख दिया था. We have to prove this. Now see this. This is mechanical power. This is electrical power. So from equations 5, 6 and this is 7. Sorry, and 7. We have proved that. मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर. अब पावर क्या होता है? पावर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट? और वर्क पर यूनिट टाइम मीन्स वट एवर वर्क वी आर डूइंग ऑन दिस कॉइल. ओके, वट एवर वर्क वी आर डूइंग ऑन दिस कॉइल टू इंड्यूस द EMF इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन पर यूनिट टाइम विल कॉन्ट्रीब्यूट दिस पावर दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल power. So the rate at which a work is done is called as a power. So the rate at which we are doing a mechanical work to induce the EMF is getting converted into the electrical power or electrical energy. Understood? So this way your mechanical energy is getting transferred into electrical energy because of induction, and that's why the heading is induction and energy transfer. ठीक है? तो ये था डेरिवेशन. अब ये डेरिवेशन सॉल्व करना या फिर ये डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है. इसके पीछे जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए वो समझ के लो. और मैंने हर की कॉन्सेप्ट बताया, अगर टेक्स्ट बुक रेफर करो, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन देखो, ये तीनों फोर्सेस डायरेक्टली यूज़ किए, डायरेक्शन कैसे आई, कहाँ से आई, कुछ नहीं बताया. ठीक है? तो मैंने आपको हर की पॉइंट बताया है यहाँ पे. ठीक है? तो आपको इसे प्रिपेयर करना है, आपको इसे एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स लिख के देखना है. ठीक है? तभी आपका ये अच्छे से प्रिपेयर होगा. ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग थ्रू द कॉन्सेप्ट. ओके, रट्टा मारना नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ. टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.